Good afternoon, you're with NewsX and I'm Saurabh Sanyal, and let's now quickly shift our focus to the biggest interview of the day. BJP President Amit Shah has spoken out on NewsX. Let's take a look at the interview. In the middle of the Karnataka poll campaign, we're in conversation with Amit Shah. Amit Shah ji, thank you. Swagat hai aapka NewsX mein. Ye jo Yeddi Reddy ke baare mein baat kar rahi hai Congress party, ispe kya kehna chahenge? देखिए, येदियुरप्पा जी पर जितने भी आरोप लगे थे वो सारे आरोप कानून की अदालत ने खारिज कर दिए. न सिर्फ खारिज करे हैं, इसको ट्रायल चलाने लायक केस भी नहीं समझा है, क्वाश हो चुके हैं. तो उसके बाद में किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है तो उसको अंतिम किसको माना जाएगा? मीडिया को माना जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी को माना जाएगा, या कानून की अदालत को माना जाएगा? ये हमारे देश में सार्वजनिक जीवन में तय करना पड़ेगा. मेरा मानना है कि संविधान से अगर देश चलाना है तो कानून की अदालत के फैसले अंतिम होते हैं, और सब स्तर पर येदियुरप्पा जी पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है. अच्छा, जो नामकरण करा है, अब सिद्धरमैया जी बोल रहे हैं कि वो तो आपको लीगल नोटिस भेजेंगे, डेफेमेशन सूट केस फाइल करेंगे, क्या बोल रहे हैं? तो 3.5 महीने से बोल रहा हूं, अब तक क्यों नहीं भेजा? आज इसलिए भेजा है कि उनको मालूम है 12 तारीख तक कुछ हो नहीं सकता इसमें. अगर इतना ही ऑब्जेक्शन था तो मैं तो 3.5 महीने से बोल रहा हूं. तो 3.5 महीने पहले नोटिस क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? अच्छा, ये आई वॉज से भेजा, इसमें कोई आपको ये 100 करोड़ की डेफेमेशन सूट की कुछ जरा भी नहीं है, और आएंगे तो प्रूव हो जाएगा. ओके, ये जो खून खराबा चल रहा है इसके बारे में बहुत बातचीत हुई है, आपके कार्यकर्ताओं की भी जाने गवाई गई हैं. ये खून खराबे की राजनीति कैसे खत्म करें? खून खराबे की राजनीति कर कौन रहा है? भाजपा शासित 20 राज्य है, 20 राज्य में एक भी राजनीतिक दल के नेता की कार्यकर्ता की हत्या नहीं हुई है. और हमारा भी अब सत्ता में लंबा इतिहास है. गुजरात में हम बहुत सालों से हैं, मध्य प्रदेश में 15 सालों से हैं, छत्तीसगढ़ में 15 सालों से हैं. कहीं पर भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं हुई. केरल में हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं, कर्नाटक में हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं, त्रिपुरा और बंगाल में हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं. तो इसमें रोक कैसे लगाएं? रोके कैसे इसको? कैसे रोका जाए? हमारी सरकारें आती है, रुकी जाता है, जनता ही रोक लेगी. यहां पर भी हमारी सरकार आएगी, हम किसी को नहीं मारेंगे, अपने आप रुक जाएगी. अच्छा, ये जो स्टेट में सत्रप की बात करती है, दक्षिण में सत्रप के सिद्धरमैया से कोई ऊपर टक्कर देने वाला आपको है, या सबसे तेज सिद्धरमैया ही थे? देखिए, ऐसा है, सिद्धरमैया जी की टक्कर भारतीय जनता पार्टी से नहीं है. ये चुनाव कर्नाटक की जनता और सिद्धरमैया के बीच में लड़ा जा रहा है. कर्नाटक की पूरी जनता सिद्धरमैया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो चुकी है. राहुल पे इतना ध्यान क्यों? रैली आप देते हैं, रैली मोदी जी देते हैं, रैली राहुल की बहुत बात होती है, राहुल पे इतना ध्यान क्यों? किसका? राहुल गांधी पे इतना ध्यान क्यों? आपका जब आप अटैक करते हैं तो राहुल गांधी गांधी फैमिली पे क्यों? अगर वो आपके लेवल पे नहीं है तो उनको क्यों अटैक करें? ये आप समझ नहीं रहे. आप बन जाओ कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष तो आप पर अटैक करेंगे. जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होता है उस पर ही तो बात करेंगे, क्योंकि वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. 21 स्टेट हो गए, 22वां है जिसके आप कोशिश कर रहे हैं सरकार बने, 20 हो गई, और दिल्ली की सरकार आपकी है शाह जी. लोग सोच रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि एक बार ही चुनाव चले गए तो फिर कर्नाटका से ध्यान हट जाएगा. इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ध्यान किसका हट जाएगा? गवर्नेंस पे ध्यान येदियुरप्पा जी को रखना है, यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष को नहीं रखना है. हमारे यहाँ पार्टी अध्यक्ष सरकारें नहीं चलाते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री चलाते हैं. राहुल गांधी ने हाल ही में बोला है कि ये इंदिरा की कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस के बीच में झगड़ा है. ये क्या आइडियोलॉजिकल वॉर फिर से आ रही है, कि फिर भी अभी सोच की लड़ाई है अभी तक? ये मैं राहुल गांधी जी की बातों पर बहुत टिप्पणियां नहीं करता भैया. अच्छा, मनमोहन सिंह भी थे आज, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो उन्होंने आर्थिक सक्सेस पाया था सालों में, आपकी सरकार ने डुबा दिया. उनको क्या कहना चाहिए? मुझे एक बात बताओ भी, 4.4% का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है या 7.1% का ज्यादा होता है, जरा बताइए आप. उनकी सरकार 4.4 छोड़कर गई थी, हमने 7.1 कर दिया. फिस्कल डेफिसिट को कम किया है, सारे घाटे हमने कम किए हैं, महंगाई हमने कम करी है,
फॉरेन करेंसी का रिजर्व आजादी के बाद सबसे ज्यादा अभी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट 15 साल में सबसे ज्यादा अभी है। क्या आप छोड़ कर गए कि क्या हमने तबाह कर दिया? आप तबाह कर गए थे, हम पटरी पर ले आए। गवर्नेंस की जब बात होती है, मैं उसी पे आ रहा हूं, आप अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हैं, आपके काफी यहां पर केंद्रीय मंत्री यहां पर कैंपेन कर रहे हैं, ये बैलेंस कैसे पाया जाए, गवर्नेंस पे फोकस और कैंपेन ट्रेल पे फोकस? नहीं, कैंपेन 365 दिन नहीं चलता है और गवर्नेंस सिर्फ मिनिस्टर नहीं करते हैं। मंत्रियों का काम नीतियां बनाना है, नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना है, बाकी ब्यूरोक्रेसी होती है, राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार में बाकी लोग भी होते हैं। तो इसी पे सवाल आया और ये आपने मुद्दा उठाया है, हाईएस्ट लेवल पे उठाया है कि ये जो बार बार चुनाव होते हैं इस कंट्री में, अगर आप कर्नाटका जीते तो क्या कोई गुंजाइश है कि लोकसभा चुनाव शायद राजस्थान या मध्य प्रदेश एक साथ? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का जहां तक सवाल है, इस पर एक व्यापक बहस होकर सभी पार्टियों के बीच में एक आम सहमति बननी पड़ेगी और देश के संविधान को बदलना पड़ेगा, कानून को बदलना पड़ेगा, तब जाकर ये हो सकता है। हमने एक विचार रखा है लोगों के सामने, प्रधानमंत्री जी ने रखा है, इस पर एक सार्वजनिक बहस होकर अगर सब पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आती है और कानून में बदल होता है तभी यह संभव है। हिंदू एकता की बात करिए, क्या ये चुनाव हिंदू एकता पर है? किसने करी ये बात? जब लिंगायत का इशू बड़ा था तो आपने बोला था कि हिंदू कम्युनिटी को टूटने ना देंगे आप, तो हिंदू एकता तोड़ने का प्रयास हो रहा है ये कहा है और तोड़ने का प्रयास रोका कैसे जाएगा? रोका कैसे जाएगा, कैसे रोकेंगे? जनता उनको चुनेगी नहीं, अपने आप रुक जाएगा। एक और सवाल, मैं आखिरी सवाल करना चाह रहा था आपसे, सिंहासन की बात होती है स्टेट लेवल पर, पंचायत लेवल पर, म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर, आप काफी लेवल पे जीते हैं, थोड़े बाय इलेक्शन छूट गए हैं बट हर लेवल पे जीते हैं, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोलेंगे कि अमित शाह जी के बहुत सिंहासन हो गए, आप हमारे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जो सिंहासन के लिए चुनाव लड़ते इनके लिए आता है, हम सिंहासन के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हर गरीब के घर में टॉयलेट पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हर बच्ची को सुरक्षा देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हर माता को सुरक्षित करने के लिए इसके स्वास्थ्य की दृष्टि से चुनाव लड़ रहे हैं, हर बच्चे को टीका लगाकर इसके जीवन का ग्रोथ अच्छा हो इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हर भूखे को भोजन मिले इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब हो जाएगा तब हमें भी आनंद होगा और विचार भी करें। ओके, अब आपकी कैंपेन ट्रेल नेक्स्ट, कल के लिए, परसों के लिए, जो दो तीन दिन रह गए कैंपेन ट्रेल में, आपका क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो बना है, पार्टी ने दे दिया भी है, रोड शो भी है, वही इंटेंसिटी की जो अभी तक रही है? नहीं, वही इंटेंसिटी से, तो जब तक चुनाव का प्रचार चलता है वही इंसेंटिव। और ये तो सवाल पूछना ही है, क्या क्या नंबर की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम अच्छे बहुमत से यहाँ पर एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में बनेगी और नरेंद्र मोदी सरकार ने बनने के बाद देश के गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए जो प्रयास किया है, मैं मानता हूं कर्नाटक सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद इसकी गति और बढ़ेगी क्योंकि इसमें कर्नाटक भी जुड़ जाएगा। मोदी जी ने देश भर के गरीबों को उनके जीवन स्तर उठाने का एक पायस प्रयास, सफल प्रयास किया है और उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती भी जा रही, जैसे 5 लाख तक का 50 करोड़ गरीबों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन और दवाइयां तीनों और टेस्ट, ये चारों चीजें सुमार है, इस प्रकार का इंश्योरेंस हम देने जा रहे हैं। किसानों को रबी और खरीफ दोनों फसल के लिए उनके लागत से 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। मैं मानता हूं ये दोनों फैसले भारत की डेमोक्रेसी में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है और हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कल्याण राज्य की कल्पना की थी इसकी दिशा में महत्वपूर्ण कदम। ऑलराइट, अमित शाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन कॉन्वर्सेशन विद NewsX। ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेन एंड वी विश दैट यू गेट द नंबर्स दैट आई नो यू कीपिंग इन योर माइंड। थैंक यू वेरी मच।